तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी सर नई वीडियो में। मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि भाइयों गुजरात में जो है गेम है बैन होने वाला है, उसके बारे में जो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी बताने वाला हूँ। तो आपको बस करना क्या है, इस वाली वीडियो को जो है पूरा अंत तक जरूर देखना, जिससे होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी की पूरी अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो मैं भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात कह दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि भाई उसको बेल आइकन को दबाने के होगा कि आप जितनी मेरी वीडियो जो आएंगी नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप जो मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए भाइयों बेल आइकन को जरूर से जरूर आप प्रेस कर देना और साथ साथ भाई उस वीडियो को जो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि भाई आपके जो फ्रेंड्स हैं गुजरात में रहते हैं उनसे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाले, बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ होने वाले, तो उन तक जो है इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना। तो भाई मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अपने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट है ये आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे जो है टाइम्स नाउ जैसे हो गए, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया कि जो पबजी मोबाइल है वो बैन होने वाला है गुजरात में। जी हाँ भाई, ये जो है सच्ची न्यूज़ है। इस बार जो है NDTV पर भी अगर आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से जैसे NDTV आ गया, टाइम्स नाउ आ गया, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ जो न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, तो उन सब ने जो है इस पे जो है पूरा का पूरा अपने वेबसाइट पे पूरा का वहाँ पे लिखा हुआ कि ये सारी डिटेल्स ऐसा जो बैन होने वाला है। तो इसमें भाई जो गुजरात में जो है इस बार बताया जा रहा है कि जो गेम है बैन होने वाला है, तो इस बार जो गुजरात की गवर्नमेंट है उन्होंने खुद जो है वहाँ पे एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जो एक गेम है जल्द से जल्द इस पे जो प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि भाई ऐसे हो क्या रहा है कि जो उनके वहाँ पे जितने भी यानी कि जितने भी वहाँ की यूथ है वो इससे जो है डिस्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि अपनी पढ़ाई की तरफ वो ध्यान नहीं लगा रहे, ज़्यादातर इसी गेम को खेले जा रही है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है भाई ये जो गेम है थोड़ी तो एडिक्ट हो जाते हैं हम इस गेम के, लेकिन भाई उतना भी नहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि भाई उनकी वजह से जो है स्टडी पर जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि स्टडी पर बहुत सारे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, जिससे जो है बच्चों की परफॉर्मेंस कम हो रही है स्टडीज़ में, उनके नंबर कम आ रहे हैं, उसके वजह से जो पबजी मोबाइल को जो बैन किया जा रहा है गुजरात में, तो ऐसा सब बताया जा रहा है। लेकिन भाई अगर जहाँ तक मेरा कहना है, तो जैसे कि आपको पता हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है कि दिन भर फ़ोन पे गेम खेलते रहे या फिर कुछ, जैसे कि आपको पता ही होगा आपके घर वाले भी आपको जो पूरा दिन तो गेम खेलने नहीं देते होंगे, लिमिटेड टाइम होता होगा जिसमें आप जो गेम खेलते होंगे, लेकिन फिर भी भाई जो ऐसा बताया जा रहा है कि फिर भी उसे जो इफेक्ट पड़ रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों पर पड़ भी रहा होगा, लेकिन भाई जो समझदार है उन पर नहीं पड़ रहा होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। गेम तो भाइयों अब एडिक्ट तो होना ही है इस गेम का, इतनी अच्छी गेम है, तो भाइयों अब बुरी गेम्स तो किसी को पसंद आती नहीं, जो अच्छी गेम होती है उसी को वही तो सबको पसंद आती है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी अगर इसको बैन करना चाहते गुजरात की गवर्नमेंट, अब वो उन पर डिपेंड है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक जहाँ तक न्यूज़ आ रही है इतना बताया जा रहा है कि जो है बैन जो है इस पर लगने। तो गाइज अब देख लेते हैं अब क्या होता है वहाँ पे गुजरात के अंदर में इस गेम के बारे में देखा जाएगा। तो बस आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना था, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर भैया अगर हाँ अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में जानना है तो आप किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, फुल वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरा नाम है तुषार, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम और पबजी खेलते रहिए। बड़ी दे डालो में भी इतना अंग्रेजी काफी है भाई, मुँह में इनके चिल्लम काफी है भाई, दुश्मनी कम करो चिल मारो मेरी एक हंसी तुम्हारे लिए काफी है भाई, इन्हें चली करेगा तो फांसी है भाई, एमवे बनता है क्लासी है भाई।